to all my dear lovely kids watching this video. Hope you all are doing good. Today we are going to learn national festivals. हमारे राष्ट्रीय त्योहार जिन त्योहारों का संबंध सारी राष्ट्र तथा उसमें निवास करने वाले लोगों से होता है उन्हें राष्ट्रीय त्योहार कहा जाता है। हमारे देश के तीन राष्ट्रीय त्योहार है इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस प्रति वर्ष 15 अगस्त को संपूर्ण भारत में बिना किसी भेदभाव के बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के दास्ता से मुक्त हुआ था। इस दिन भारत के राजधानी दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और देश के नाम संदेश देते हैं। स्वतंत्रता दिवस का हम सभी के लिए बहुत महत्व है। इस दिन हम उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस प्रति वर्ष संपूर्ण भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया और हमारा देश पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। इस दिन पूर्ण भारत में अत्यंत उत्साह एवं उल्लास के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। राजपथ पर परेड का आयोजन किया जाता है। विभिन्न प्रदेशों की मनमोहक झांकियां निकाली जाती है। वायुसेना के विमान आकाश में अपनी करतब दिखाते हैं और राजपथ पर फूलों की वर्षा करते हैं। गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि आज देश में जनता का शासन है। देश की स्वाधीनता की रक्षा के लिए और देश की उन्नति के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। गांधी जयंती। यह राष्ट्रीय त्योहार महात्मा गांधी की जन्म दिवस 2 अक्टूबर को उनकी याद में मनाया जाता है। इस दिन प्रातः प्रभात फेरियां निकाली जाता है और महात्मा गांधी की जय और महात्मा गांधी अमर रहे आदि नारों से पूरा वातावरण गूंज उठता है। इस दिन स्कूलों कॉलेजों में गांधी जी की स्मृति में उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का अभिनय प्रस्तुत किया जाता है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर देश को स्वतंत्र कराया। उनके दिव्य संदेश की मसाल सदैव चलती रहेगी और लोगों को सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहेगी। Thank you.